तो वक्त आ गया बिस्तरा छोड़ने का। उठ के चाय ढूंढते हैं, चाय मिल जाए तो दिन की शुरुआत अच्छी हो जाएगी। So really you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast, damn. You're over it, I've been done. We're so toxic, can't get enough. Ooh, I'll go and say it like a mantra. You know what you want, do ya? No matter what you tell yourself, I should have known that we could never be friends. पिछले दो दिनों से जो है मेरी नींद बहुत अच्छे से पूरी हो रही है, क्योंकि हमारे रैम्बो जो है वो दो दिन से तंग नहीं कर रहे। जैसे पहले रात को 3 बजे उठना पड़ता था, सुबह 4 बजे उठना पड़ता था, 5 बजे उठना पड़ता था रैम्बो के चक्कर में, तो 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि 7 बजे से पहले रैम्बो जी जो है वो तंग नहीं कर रहे, और नींद जो है बहुत ही टनाटन अच्छे से पूरी हो रही है। तो अभी मुझे जल्दी से रेडी होना है, क्योंकि आर्यन का है आज एग्जाम, और उसको पहले स्कूल ड्रॉप करना है, उसके बाद वापस आके छत साफ करना है, रैम्बो को खाना सर्व करना, उसके बाद जाके तैयार होके ऑफिस के लिए निकलना है। हालांकि मैं पूरा रेडी हो गया था, निकलने वाला था, फिर पता लगा कि आर्यन जो है वो स्कूल चला गया, क्योंकि उसका एग्जाम है आज। और पीछे से शोनी घर पर अकेली थी, तो मम्मी कहते कि यार ये शोनी के लिए कर नहीं पाएगी इसका, तो आज के दिन जो एडजस्ट कर ले, मुश्किल तो हो रही है लेकिन क्या करें। आ जाओ अब, तो खाना दिया था, इतना सा खाना खाया, बस इतना सा खाना खाया। तो कुंकू ऐसे करते हैं, ऐसे पूरा पतीला ही खाली कर देंगे। जल्दी नीचे नीचे, जल्दी अभी मुझे निकलना है फंक्शन के लिए। घर वाले सारे जा चुके हैं और मैं लेट इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि हमारे बेसमेंट टैंक में जो है वो पानी खत्म हो गया था। तो टैंक वाला जो कह रहा था मैं आधे घंटे तक आया, तो घर वाले कह रहे हैं फंक्शन के लिए हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, तो तू एक काम कर, टैंक भरवा के आना, तब तक हम निकलते हैं बस। और भाई साहब अभी आ गए हैं, बस पानी भरवा के और फट से निकल रहे, तैयार हो गए। Type of way, well that's fantastic. Nothing to something and now it's drastic. Don't tell your friends, we're so done. और अब घर पे सिर्फ मैं, आर्यन और रैम्बो हैं। मैं जा रहा हूँ और आर्यन को यहाँ रहना पड़ेगा, उसकी 2 वजह हैं, क्योंकि एक आर्यन का एग्जाम है और दूसरा ये रैम्बो के केयर कौन करेगा, तो उसके चक्कर में आर्यन को घर पे रहना पड़ रहा है और मैं जा रहा हूँ। जय माता दी। मैं लेट वहाँ पे सब पहुँच गए और बस मैं लेट हो गया हूँ। और जस्ट अभी काली भैया का मुझे जो है वो मैसेज कॉल आई कि भाई जल्दी आ जा, खाना शुरू हो गए। तो बात धूप देखो कितनी तेज़ है और गर्मी इतनी हो रही कि ये भी पकड़ा नहीं जा रहा। अरे यार ये गंदा कितना हो गया। चलो इसकी बैटरी भी डेड हो गई है, बट किक्स आर द बेस्ट। धूप जो है धूप बहुत ही तेज़ तड़ाकेदार धूप पड़ रही है, और ऊपर से मैंने पहनी भी टी शर्ट है, लेकिन क्या करें, बाजू में काली हो सो हो लेकिन स्वैग निकटना चाहिए। भैया ना भैया हमारे डाइटिंग फास्ट फास्ट कह गया कि इन्होंने 2-2 लीटर की 4 बोतलें खत्म कर दी है सोडे की, बताओ ये वाली कोल्ड ड्रिंक 4 थम्सअप। ये भैया मारे की नई नई शादी हुई है, मैं को बोल रहा हूँ मेरे से खाना खाओ, मेरे से खाने खा रहे हैं। और भाभी से पूछ रहे बैठी मारी पीछे भाभी बैठी है, पीछे भाभी बैठी है उनसे पूछ रहे हैं कि खाना खा लूँ मैं। सुनो मैं कह रहा हूँ मुन्ने की शादी है, मुन्ने जाओ खाना खाते, कितने भाभी से पूछ रहे थे पहले खा लूँ। तो भैया हमारे ने लिए नई थार, तो अभी वक्त है टेस्ट ड्राइव का, लेकिन टेस्ट ड्राइव लेनी मैंने अभी, इतनी थोड़ी देर के बाद लूँ क्योंकि अभी जो है यहाँ पे अभी फंक्शन खत्म नहीं हुआ है। हाँ जो अंदर से बड़ी अच्छी है, मज़ेदार है, लेकिन बस एक चीज़ जो है मुझे सही नहीं लगती, वो है कि इसकी जो है पीछे जो है वेंटिलेशन नहीं है, आगे ही इसके मिरर्स हैं, बस इन्हीं को ऊपर नीचे कर सकते हो, और पीछे वाले तो भाई सिर्फ एसी के दम पे ही जी सकते हैं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब सही लग रहा है।
अब देखो ये भैया हमारे, इनको कोई चीज रास नहीं आती, कोई चीज हम बच्चे की खुशी है गाड़ी चलाए, इनको ये पहले मैं चलाऊं, एंड को दो मुझे डेविड ली गया, आपका हो गया हमारा होना भी, पैरों के पीछे नहीं कर रहा है, इनके पैरों के पीछे चल रहे हैं, कहते थे बच के रहना, बोलो धोखा दिया, धोखेबाज आए चढ़ा बोलो भाग। और कोई बात नहीं, एडिटिंग एडिटिंग मेरे हाथ में ही है। और पटवारी की नौकरी करने वाला ये साहब, इसके पीछे आग में छुप दी एक रिश्वतखोर की, तो खूब चलता था गरीबों का। सो भैया के घर में फंक्शन था, और इनका खुद का भी चैनल है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक डाल दूंगा, तो इनको भी प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, इतना हो सके आपको अच्छा लगेगा कंटेंट इनका भी, ठीक है। भैया होना चला फिर बाय में, ओके कल बाय बाय बाय। और भैया ने ये मेरे को गिफ्ट दिए, और कितने बड़ा दिल, दिल देखो कितना बड़ा है भैया का, दिल पेट के साथ इनका दिल भी बहुत बड़ा है, आने गिफ्ट कर दी, आने गिफ्ट कर दी भैया मेरे को, कल अंक में देने नहीं कसम से कह रहा हूं, कल मेरे को पसंद आई है, मेरे फेस के हिसाब से सही, मेरे फेस कलर के हिसाब से सही। फंक्शन समाप्त हुआ, अब निकल रहे घर के लिए। कब खिलाया खाना इसको आर्यन? कब खिलाया खाना इसको? 4 बजे, पूरे 4 बजे। दो पैडिग्री, थोड़ी पैडिग्री देनी थी ना, क्या पता वो खाता। खा रहा है, रुक रुक इधर। घर आ गया, और सबसे पहला काम जो है वो रैम्बो को खाना दे रही है। अब मुझे जोत देखनी है, क्योंकि मम्मी जो है, मम्मी अभी वहीं पे ही है, और मम्मी कह रहे तो जल्दी घर पे जाओ और जोत देख, कहीं बुझ बुझ ना गई हो, नवरात्रे हैं तो नवरात्रों में जोत जो है बुझी नहीं चाहिए पूजा की। पहले हाथ वाथ धो लेते हैं यार। अरे अरे अरे, जोत जो है बहुत डिम हो गई है यार, थोड़ा सा उसको ऊपर खींचना पड़ेगा। मुझे ना ये इस काम से बहुत डर लगता है, ऐसे मुझे अक्सर बुझ जाती है यार, बुझनी नहीं चाहिए ये। अब ठीक है, क्योंकि ये काम करने में मुझे बहुत डर लगता है, जब भी प्लकर से उसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ जोत से, तो उसकी फ्लेम जो है वो कम हो जाती है, तो जब वो कम होती है डर लगता है कि कहीं यार बुझ ना जाए, बुझ गए तो भाई। जो जम्मू के बाहर के लोग जो है ना, जो जम्मू में कभी आए नहीं है, तो वो क्या सोचते हैं, उनसे जब भी मेरी बात होती है तो मेरे सोचते हैं कि यार वाह वाह, तू कितने मजे में रहता ना, कि जम्मू कश्मीर में बर्फ पड़ती है पूरे 12 महीने तुम बर्फ में रहते हो। तो उनको बताना चाहता हूँ कि भाई साहब, अभी जस्ट मार्च खत्म ही हुआ है और आज 36 डिग्री टेम्परेचर जम्मू में इस वक्त। 15 मिनट का सफर किया जस्ट मैंने बाइक पे अभी, और 15 मिनट में ही टैनिंग चढ़ गई है बाजू में, काली लकीर पड़ गई है बाजू के ऊपर, और लोगों को लगता है कि जम्मू में बहुत बर्फ पड़ती है। तो ये है वो झरना जिसकी मेरे रूम के पीछे जो है, ऐसा लगता है कि वाटरफॉल चल रहा है। हाँ यही है वो झरना जिससे लगता है कि मेरे रूम के पीछे वाटरफॉल है, वाटरफॉल बह रहा है। नीचे चला गया ओए रैम्बो। रैम्बो जो है वो अब सिर्फ और सिर्फ भाई साहब मम्मी के आगे पीछे घूम रहे हैं, जब से उन्हें पता चला ना कि यही औरत है जो घर पे खाना बनाती है और सर्व करती है, तब से वो सिर्फ और सिर्फ मम्मी के पीछे घूम रहे हैं। पागल से बारा बेटी बाहर दिखा रहा है, बेटी पूजा करती है, सोचा पूजा करनी है, पूजा करनी है, हैं चलो जा करो, भैरव बाबा की पूजा करनी, भैरव बाबा की पूजा करो। रैम्बो हमारे को मधुमक्खी ने काट दिया, अब चूं चूं जो कर रहे हैं, जो जो चीज मिलती है उसको मुंह में लेना, घुसाना है, घुसा लो, और पता नहीं काटा कहाँ पे, नाक पे काटा, कहाँ काटा, कहाँ काटा। अभी जब सूजेगा तब नाक जब इतनी बड़ी हो जाएगी ना टमाटर से, तो पता लगेगा।
मतलब नागमुख सोते नागमुख पे काटा होगा मेरे। क्यों पंगे लेता है? देखो देखो ऐसे सहम सा गया, पता नहीं क्या हो गया ना मेरे को। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। कहाँ पर काटा है? अब पता नहीं, अब सूझने पे पता चलेगा। क्या कुछ नहीं। लग चुका है भाई साहब सुई, शॉपिंग कर दे रहे होंगे। ये चाहिए रॉयल कैनन पे, चाहिए रॉयल कैनन पे, याद रखते हैं।